चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षदि पंडित तु शब्द शब्दे धूमचल मनो वयम गयम पत्ते मोक्षामि समय पावर मनो श्री केवली। समय सार परमागम की जीवा जीवाधिकार कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य पाप अधिकार के संदर्भ में सामान्य चर्चा अपन ने की थी, जिसमें चार व्यवहार नयों के माध्यम से उनकी क्या उपयोगिता है और वो क्यों है हैं, ये दो बात अपन ने की थी। उपाधि पता नहीं हो जाएगा। तो अब चार प्रकार के निश्चय नए होते हैं, तो संक्षेप में थोड़ी उनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि समय सार जो ग्रंथ है वो निश्चय नए की प्रधानता वाला ग्रंथ है। तो वैसे निश्चय नये के भी दो भेद हैं, एक शुद्ध निश्चय नये और एक अशुद्ध निश्चय नये। और शुद्ध निश्चय नये तीन प्रकार का होता है, एक देश शुद्ध निश्चय नये, शुद्ध निश्चय नये और परम शुद्ध निश्चय नये। इस प्रकार ये चार भेद हो गए कि अशुद्ध निश्चय नये, एक देश शुद्ध निश्चय नये, शुद्ध निश्चय नये और परम शुद्ध निश्चय नये। अब इनका विषय क्या है कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं उनसे आत्मा को अभिन्न बताना। सद्गुण व्यवहार में तो क्या है, उनका कर्ता आत्मा को कहना, उनका स्वामी आत्मा को कहना, और इसमें है कि उन वो ही रूप है, तद्रूप बनाना। अशुद्ध भावों से सहित आत्मा को अशुद्ध कहना, शुभ उपयोग से सहित आत्मा को शुभ कहना, अशुभ उपयोग से सहित आत्मा को अशुभ कहना, ये सब उपचार ही क्या है? ये अशुद्ध निश्चय नये का कथन है। ये सब कहना उपचार है क्या है? निश्चय महाराज उपचार और अनुपचार तो व्यवहार नये में लगते हैं, है ना? तो ये निश्चय निश्चय है। तो बहुत सीधा सरल है कि अशुद्ध भावों से सहित आत्मा को कहना अशुद्ध निश्चय नये, और शुद्ध भावों से सहित आत्मा को कहना शुद्ध निश्चय नये। तो शुद्धता होती है दो प्रकार की, एक देश शुद्धता जो चौथे गुण स्थान में, पांचवे में, छठवें में, सातवें में, और एक तेरहवें में, चौदहवें में पूर्ण शुद्धता। तो शुद्धता दो तरह की, एक देश और सर्वदेश। तो एक देश शुद्ध कहना आत्मा को, वो एक देश शुद्ध निश्चय नये का नाम काम है, और सर्व केवल ज्ञान आदि से सहित कहना वो शुद्ध निश्चय नये का काम है। तो तीन हो गए, अशुद्ध निश्चय नये, एक देश शुद्ध निश्चय नये और शुद्ध निश्चय नये। अब ये एक परम शुद्ध निश्चय नये है। तो परम शुद्ध निश्चय नये क्या है, तीनों निश्चय नये। बारहवां को क्या, हाँ बेटा, तो परम शुद्ध बारहवें में शुद्ध निश्चय नये, बारहवें में अशुद्ध निश्चय नये, पूर्ण शुद्धता नहीं हुई ना। अब ये जो तीनों प्रकार की जो शुद्ध शुद्धता है पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है, तो इन तीनों से रहित जो आत्मा है वो है परम शुद्ध निश्चय नये का विषय। उसको परम पारिणामिक भाव कहते हैं, उसको परमार्थ कहते हैं, बहुत से न्यायिक भाव कहते हैं। तो वो जो वहां तक पहुंचाना समयसार का काम। परम पारिणामिक भाव अभी भी कुछ सत्ता में है कि नहीं? हाँ सत्ता में है। तो वो परम पारिणामिक भाव उस परम जो है ना परम शुद्ध निश्चय नये उसका विषय है। और जो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नये है ना, उनमें दस दस प्रकार का द्रव्यार्थिक नये होता है। तो दस प्रकार में दसवां जो नये है परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नये, वो उसका भी विषय बनता है। वो दोनों एक ही चीज है, चाहे हम परम शुद्ध निश्चय नये का विषय कहें और चाहे परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नये का विषय कहें, एक ही बात है। तो उसे ज्ञायक भाव बोलते समय सार की, जो छठवीं गाथा में ज्ञायक भाव कहा छठवीं सातवीं में, तो वहां तक पहुंचाना समय सार की ड्यूटी है। कहां से शुरू हुई थी ये जो आठ नये हो गए ना अपने, तो आठ नये क्या काम करते हैं कि दो दृष्टि से इसका महत्व है, एक वितरागता की दृष्टि से और एक भेद विज्ञान की दृष्टि से। अब भेद विज्ञान की दृष्टि की बात अपन थोड़ी करते हैं कि सारी दुनिया में
लोकालोक में एक अपना आत्मा है, और वो सारी दुनिया में से उनसे भिन्न उसे हमें खोज निकालना है। सारी दुनिया में अपना जो एक आत्मा है, वो सारी दुनिया एक तरफ और अपना आत्मा एक तरफ, तो हम उसकी खोज करनी है। तो ये जो नए हैं आठ, ये हमें सारी दुनिया से लेकर के उस शुद्ध आत्मा तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं कि पहले हमें भी कोई आदमी को हीरे की जरूरत है और उससे कोई पूछे भाई हमें हीरा चाहिए कहाँ मिलेगा, तो वो कहे पृथ्वी में। तो ये उत्तर गलत तो नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में ही खदानें होती हैं और उसमें हीरा निकलता है, लेकिन उसके किस काम का है, क्योंकि पृथ्वी में हीरा है। अब उसे तो भी लड़की के लिए अंगूठी बनवा के देने हैं शादी में, अब वो पृथ्वी वाला हीरा तो काम आने वाला है नहीं। लेकिन ये बात सत्य है कि पृथ्वी में हीरा है। ऐसे ही कहा कि हमारा आत्मा कहाँ है कि लोकालोक में, तो बात तो परम सत्य है, क्योंकि आलोक आकाश के बाहर तो आत्मा गया नहीं। लेकिन वो हमारे जो आत्मा का ध्यान करना है, ज्ञान करना है, वो किस काम का। तो इसलिए कहते हैं कि उसने कम से कम इतना बताया कि वो है और पृथ्वी में है कि लोकालोक में है। तो अगला नए कहता है कि नहीं नहीं ये बात ऐसी नहीं है, पृथ्वी में नहीं, पन्ना में जो खदाने हैं उनमें हीरा है, ख्याल है ना। तो पन्ना की खदान में है, वो भी वैसी बात हो गई कि नहीं, बहुत फर्क हो गया। कहाँ हम सारी पृथ्वी में खोजते और कहाँ हमने 2-4 किलोमीटर का एरिया लोकेट कर दिया, तो हम सारी पृथ्वी पर से हमारी नजर हट गई और पर्टिकुलर एरिया पर आ गई। तो उसने हमको हीरा तो नहीं दिलाया, लेकिन बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि हम सारी दुनिया में खोजते फिरते उससे हम एक लोकेट हो गए। ऐसे ही कि आत्मा कहाँ है, तो अभी कहा था लोकालोक में और अब कहा लोकाकाश में। भाई क्या इसमें इसमें क्या हुआ, कैसे मिलेगा। अरे भाई लोकाकाश तो लोकाकाश से अनंत गुणा है, तो वहां से दृष्टि तो हट गई ना, कितना काम कम हो गया। फिर उसने कहा भैया कि पन्ने की खदान से काम नहीं गए, जवेरियों का काम होगा, तो हमें तो बताओ कि हीरा हमें कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने कहा बंबई में जवेरी बाजार में जाओ। तो इसने भी बहुत बड़ा काम किया कि सारी दुनिया से नजर हटा के हमें वहां लाया। तो ऐसे ही भी तीसरे नए ने कहा कि कहाँ है आत्मा, कि शरीर रूपी मंदिर में देह देवल में विराजमान है। तो कहाँ लोकाकाश और कहाँ है शरीर, तो हमारी सारे जगत से दृष्टि हटकर इस शरीर पे आ गई। यद्यपि शरीर आत्मा नहीं है, जवेरी बाजार में तो और भी पान की दुकानें भी हैं, अकेला हीरे हीरा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमारा एक दृष्टि इसे हम वहां आ गए, तो शरीर में आत्मा है। तो फिर कहा कि शरीर तो नहीं है आत्मा, क्या शरीर नहीं है, जो शरीर में जो सुख दुख को भोगता है, जो जो ज्ञान दर्शन देखने में आता है, वो आत्मा है। तो ऐसा कह करके राग देश सुख दुख यद्यपि आत्मा के स्वभाव नहीं है, फिर भी ये शरीर जो जड़ था उससे भिन्नता की हम आत्मा की तरफ गए। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जब वो कहते हैं कि जिसमें दान न देखने की शक्ति है वो है आत्मा, राग देश वाला है आत्मा नहीं है, ऐसा एक एक नए का निषेध करते जाते हैं महाराज। पहले एक की स्थापना करते हैं सारी दुनिया पृथ्वी में, फिर मना करते हैं, फिर कहते हैं पन्ने की खदान में, फिर मना करते हैं, फिर कहते हैं देह में, फिर मना करते हैं। अंत तो गत्तो अपन कहते हैं वो त्रिभुवन जी भुवन जी की दुकान है, उसमें वो बराबर हीरा मिलता है और वो भी डिब्बी के अंदर रखा हुआ आपको मिलेगा। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जो केवल ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर अनंत गुण और संख प्रदेश, उसमें भगवान आत्मा है, वहां तक आ जाए, वहां भेद विज्ञान की दृष्टि से वहां से बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाए। तो कहते कौन से आत्मा की बात कर रहे हो, कि जिस आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। निश्चय नहीं से जानता है, जो नौ पदार्थों को निश्चय नहीं से जानता, भूतार्थ नहीं से जानता है। हाँ सही बात है, सारे नौ पदार्थ आ गया है। तो
जैसे आपने घुमाया सारे हाँ, हाँ, नहीं है वो समय साल में फिर ये कहा ना नव तत्वों के तत्व भी यदि तत्वों ने मुंचती कि नौ तत्वों में जाकर के भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता है नव तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है मैं तो उसको चाहता हूँ तो उस आत्म ज्योति की बात कर रहे हैं। तो अब वो कहते हैं आत्म ज्योति हमारे क्या काम की है कि भाई साहब उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। एक बात विशेष है जब तक आप लोग संग्रह में ये सब बातें बहुत टीका में खासकर ब्रह्मदेव की टीका में सभी शास्त्रों में सूत्र का नाम आत्म दर्शन हाँ 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 आत्मा अपना ग्राहक आप है अन्य का ग्राहक नहीं दुनिया की चीज देव दर्शन करते उसका भी ग्राहक हाँ नहीं देव दर्शन का हाँ, करते उसका हम देव दर्शन करते जिसमें अपने आत्मा का ग्राहक है मतलब लौटा के यही पूर्ण स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है सबसे बड़ी भी चित्र लीला है पूर्ण संग्रह जब तक आप पढ़ो यदि मन लगा के ये जो बता रहे हो पढ़ना पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आत्मा की अपन को कई अलग अलग तरीके से खोज करनी है एक तो इसके लिए कि हमें एक तो दया पालने के लिए हमें आत्मा जानना है कि जीव कहाँ कहाँ है तो हमारा जीवन दयामय हो हमसे कोई हिंसा नहीं हो इसके लिए जानना है कि जीव कहाँ कहाँ है तो आलू में जीव है जमीकंद में जीव है हवा में जीव है फूल में जीव है अग्नि में जीव है ये काय के लिए है क्योंकि हमसे इनकी विराधना ना हो यदि हम जाने ही नहीं कि इनमें जीव है तो फिर हम इनके साथ पत्थर जैसा व्यवहार करेंगे जड़ जैसा तो हमारा व्यवहार इनके प्रति अच्छा हो इस करुणा के लिए करुणा नियोग में जीव को जानना है जले जंतु थले जंतु कौन सी जगह है ना जीव नहीं है। अब ये जो जीव है समय सार का जीव वो करुणा के लिए नहीं जानना है वो काय के लिए जानना है ध्यान करने के लिए कि जिसका अपन को ध्यान करना है जिसके ध्यान से कर्मों का नाश होता है केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उस काम के लिए हमको आत्मा की खोज करनी है। तो जैसे कोई हमसे पूछता है कि पंडित जी कोई एक लड़का होगा आपके ध्यान में तो हम कहते बोलो काय के लिए चाहिए कि नहीं तुम क्यों बहस करते हो तुम बताओ ना लड़का हुए तो कि नहीं भैया लड़का अलग कई तरह के होते हैं तुम्हें किस काम के लिए चाहिए ये बताओ कब क्या मतलब तुम्हें अपनी लड़की की सगाई करना है जमाई के रूप में लड़का चाहिए कि गोद लेना है कि बर्तन मलने के लिए घर में जाना है चौका पोंछा के लिए चाहिए काय के लिए चाहिए लड़का उस हिसाब से लड़के का की खोज होगी। हाँ अमृतचंद्र आचार्य के हाँ, 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 करुणा बोले हाँ, हाँ, बोले ना करुणा हाँ, हाँ, आचार्य अमृतचंद्र कह रहे जानत पश्चात दुर्गम जगत कारुण्य सिद्ध भगवान करुणा भाव से जगत को जानते देखते हैं तो सिद्धों को कैसे करुणा लगाते हैं सार आठवां अध्याय नौवां सूत्र जानत पश्चात दुर्गम जगत कारुण्य जगत को जो देखते हैं सिद्ध भगवान करुणा भाव से देखते हाँ। ये करुणा के लिए धोला करने सब लिखा रोज हम बोलते तस्मात कारुण्य भावे न रक्षे रक्षे सिद्ध भगवान का जानता पश्चाता पूर्वम जगत कारुण्यता सिद्ध भगवान जो जानते हैं दुनिया को करुणा भाव से जानते हैं मतलब सिद्धों के आत्मा में भी करुणा भाव विद्यमान है करुणा भाव से क्यों जानते हैं देखिए ना मुक्त जीव मुक्त होने के बाद भी करुणा पूर्वक जगत को जानते हैं और देखते हैं कि जो कहते हो मैंने उसके टीका भी लिख दिया सूत्र भी चलो आगे चलो बाद में बात करते हैं नहीं मैंने करुणा हाँ नहीं समझ गए तो वो जो नहीं आत्मा जो समय सार का आत्मा है वो ध्यान का ध्येय आत्मा है और उसमें अपनापन का नाम सम्यक दर्शन है जिसे अपन बोलते हैं आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन दर्शन माने ये मैं हूं ऐसी प्रतीति उसमें अपनेपन की भावना उसका नाम वास्तव में सम्यक दर्शन है। तो जिस आत्मा में हम अपनापन करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा जिस आत्मा को जानेंगे तो सम्यक ज्ञान होगा
जिस आत्मा का ध्यान करेंगे तो सम्यक प्रयत्न होगा, ऐसा सम्यक प्रयत्न जिसे आठ कर्म का नाश होता है। हाँ हाँ, तीनों को अलग अलग कर, हाँ तीनों अलग अलग करके कहा। तो ये आत्मा की खोज यहाँ करनी है। वो अभेद रूप से कैसे बताया, आपने तो भेद से बताया। वो तीन आत्मा अनुभव करना सम्यक दर्शन, आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान, और आत्मा का ध्यान करना सम्यक चयन। हाँ तो ये तो महाराज उन सम्यक ज्ञान चाहत की तरफ से आत्मा को देखा, लेकिन वो आत्मा तीनों में एक ही है। कैसा एक जिसमें आता है प्रसाद द्विवा में कि वो दर्शन निश्चय सम्मत दर्शन निश्चय सम्यक ज्ञान आत्म रूपम तत्, ये शब्द तीनों में आता है, सम्मत दर्शन की परिभाषा में भी, सम्यक ज्ञान की परिभाषा में, और सम्यक चातनी में। आत्म रूपम तत्, वो सम्मत दर्शन आत्म रूप है, वो सम्यक ज्ञान आत्म रूप है, वो सम्यक चात्र आत्म रूप है। यानी वो आत्मा, जिस आत्मा को मैं अपनापन करेंगे तो हम सम्मत दर्शन हो जाएगा, वो आत्मा उसे जानेंगे तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और उसमें ही का ध्यान करेंगे तो सम्यक तारित्र हो जाएगा। ध्यान सर्वश्रेष्ठ तारित्र है, तारित्र की सर्वश्रेष्ठ दशा। दूसरा नहीं है, और भी वही सूत्र दिया है। तीनों को एक साथ माना होना, एक साथ अलग अलग नहीं लगते। दर्शन ज्ञान चैतन्य को व्याकरण का एक ही सूत्र अभेद। अब वो आत्मा है तो वो आत्मा इन चार नयों का विषय जो बताया तो उसमें कौन का है, तो जो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय लास्ट है उसका जो विषय है वो आत्मा ध्यान का ध्येय है, वो आत्मा सम्मत दर्शन का विषय है, दृष्टि का विषय जिसे बोलते हैं ना वो है। तो उस आत्मा को खोज निकालना ये समय सार का काम है। अभी जो आपने फरमाया था सुबह, मैं कह नहीं पाया था कि ये जो सात नय हैं जिसमें तीन निश्चय और चार व्यवहार, ये सातों व्यवहार बन जाते हैं और निश्चय अकेला वो परम शुद्ध निश्चय नहीं रहता है। क्या वो कैसे बन जाते हैं, क्योंकि आगे आगे बढ़ना है तो उसे व्यवहार नहीं बनाए तो हे कैसे कहे, तो उसमें से दृष्टि कैसे हटा है, उस व्यवहार हे कह के दृष्टि हटानी है ना, तो वो उसका जो विषयभूत आत्मा है वो दृष्टि का विषय माने ध्यान का ध्येय नहीं है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं है। तो मैं वो आत्मा हूं तो वो आत्मा हमारे ज्ञान का ध्येय नहीं बनेगा, तो उसमें हम अपनापन कैसे करेंगे, वो तो हमें दिखते ही नहीं है। टूर्नामी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 76वें पेज पर एक बहुत मार्मिक बात लिखी, उन्होंने लिखा कि इस आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है और उसका काम है अपनापन स्थापित करना। तो उनने किसी ने पूछा कि अनादि काल से ये जीव मिथ्या दृष्टि है तो इस मनुष्य समझ में आता है, लेकिन ये एक इंद्रिय जीव मिथ्या दृष्टि कैसे है, एक इंद्रिय जीव को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है अकेली एक इंद्रिय के अलावा, तो उसने कैसे पर पदार्थ में अपनापन स्थापित कर लिया, गीत मिथ्या दर्शन उसके कैसे, गीत मिथ्या दर्शन तो होता नहीं असैनी पंचेंद्री के। तो टोडा मंजी ने इसे सिद्ध किया कि मैं उनकी पंक्तियां एक मिनट बाद बोलूंगा, पहले मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक गाय है और गाय के जो बछड़ा पैदा होता है नया नया अभी, तो वो अपनी माँ को पहचानता नहीं है क्योंकि उसने शक्ल नहीं देखी अभी तक माँ की, माँ के पेट में से पैदा हुआ, लेकिन इतना वो जानता है माँ के पेट में से ही कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है तो मेरे खाने का यहीं आसपास कहीं इंतजाम है, और मेरे मुंह में दांत नहीं है तो ऐसा इंतजाम है जिसमें दांतों की जरूरत नहीं है, इतना वो अंदर से ही जानता है। इसलिए पैदा होते ही और वो चीज खोजने लगता है। अब कल्पना करो कि 10 गायें एक जगह खड़ी हैं और एक गाय ने बछड़ा दिया, तो वो तो जानता है कि ये ऐसी गाय होती है वो माँ होती है और उसके स्तनों में मेरा दूध है, लेकिन ये नहीं जानता कि इन 10 में से मेरी माँ कौन है, तो क्या करे। तो कहते घबराने की बात नहीं है, वो जब बछड़े को गाय चाटने लगती है तो बछड़ा निर्णय कर लेता है कि ये मेरी माँ है ये नो मेरी माँ नहीं। महात्मा गांधी, हाँ, एक दिन के लिए बुलाया, हाँ,
बछड़े छोड़ दिया उन्होंने, बछड़े छोटे छोटे थे वो अपने अपने माँ के पास गए, वो दूसरे के पास गए नहीं नहीं गए क्या ना। तो अब वो तो शुरू शुरू में जब तो वो तो उनने पहचान लिया, अपन नहीं पहचान सकते, सब गाय एक सी दिखती, सब बछड़े एक से दिखते हैं। न्याय शास्त्र में डॉक्टर साहब हाँ, पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार से तो मालूम था कोई माँ होती है उसके स्तनों में दूध होता है, मेरा पीने का इंतजाम है और वो खोजता है उसको, लेकिन वो माँ की शक्ल नहीं जानता। वो माँ उस शक्ल को उसने कैसे पहचाना कि उसने चाटा, क्योंकि मैं इतना गंदा हूँ और इस गंदगी को दूसरे की जो मेरी माँ नहीं है उसके अलावा कोई नहीं चाट सकती, साफ कर सकती। वो ही अपनी जवान से इस गंदे पदार्थ को साफ कर रही है तो निश्चित रूप से वो मेरी माँ है। तो अब वो बछड़ा उस गाय का वो पहचानता है। तो टोडामल जी क्या लिखते हैं कि आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है और श्रद्धा गुण का काम हाँ स्वभाव सही, और उसका काम है किसी ना किसी में अपनापन स्थापित करना। यदि वो अपने में अपनापन स्थापित कर ले तो समादर्शन हो जाए, और अपने को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ में अपनापन स्थापित करे तो मिथ्या दर्शन हो जाए। तो वो बछड़ा जो उदाहरण दिया ना, तो अब वो अनादि काल से तो एक इंद्री जीव है, उसके स्पर्शन इंद्री है, स्पर्शन इंद्री जन्य उसको ज्ञान है, तो उस ज्ञान का गे कोई पुद्गल ही बनता है, शरीर सबसे नजदीक का पुद्गल है, तो शरीर ही उसके ज्ञान का गेय बनता है। तो जो चीज ज्ञान का गेय बनेगी वो ज्ञान श्रद्धा गुण उसमें अपनापन मान लेगा, ये नेचुरल है, इसलिए वो मिथ्यादृष्टि है अनादिकाल में। पर समयी हो गया। तो ये टोडामल जी ने 76वें पेज पे ये बात लिखी है कि उनके शब्दों में बोलता हूं कि आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है जिसके कारण वो किसी को अपना माने ही माने, और उसको ज्ञान का गे शरीर बना क्योंकि वो अत्यंत नजदीक का पर पदार्थ है, इसलिए उसने उसमें ही अपनापन मान लिया। तो अनादिकाल से शरीर में जो एकत्व बुद्धि है उसका कारण ये है। अब इसमें से एक सिद्धांत निकल गया कि यदि जब शरीर को ज्ञान का गे बना तो आत्मा ने उसे अपनापन कर लिया, तो अब आत्मा ज्ञान का गे बनेगा तो आत्मा में अपनापन कर लेगा, एक समय भी वो अपनापन किए बिना नहीं रह सकता, ये जाने बिना ध्यान नहीं कर सकता। हाँ बस याद रखना, हाँ यही बात आ गई। ध्यान किसका करोगे, शब्दों का भी ध्यान छोड़ना पड़ता है। तो वो कहते हैं श्रद्धा गुण यानी ज्ञान का गे आत्मा जब बनेगा तब श्रद्धा गुण उसमें अपनापन कर लेगा। श्रद्धा गुण बहुत आलसी प्रकृति का गुण है। क्या मतलब आलसी प्रकृति का, जैसे कि वो करवट आसानी से नहीं बदलता, अनादिकाल से पर में एकत्व बुद्धि है तो जम रहा है बराबर। अब वो अपने आत्मा में एकत्व बुद्धि करे तो समादर्शन हो, तो वो जब वो करेगा कब, जब ज्ञान पहले सारा काम ज्ञान करे, कुछ नौ तत्व को समझे, नौ तत्व में छुपी आत्मज्योति को समझे, जितनी भी देशना लब्धि में है गुरु समझाए, वो सारा देशना लब्धि का काम कौन निपटाए, ज्ञान। प्रायोगिक लब्धि कर्ण लब्धि का काम कौन निपटाए, ज्ञान। और जब ज्ञान कर्ण लब्धि के अंत समय के बाद एक समय अंत समय के भी बाद वो ज्ञान का गे आत्मा बनेगा, उसी वक्त श्रद्धा में उसने अपना अपना स्थापित कर लिया। कर्ण लब्धि का भी अंत, कर्ण लब्धि पूरी हो गई। तो ये कहने का आशय है मेरा कि श्रद्धा गुण फिर एक समय की भी देर नहीं करता, लेकिन उसके पहले ज्ञान का गे आत्मा बनना चाहिए, और वो एक समय बाद नहीं उसी समय श्रद्धा गुण ने अपनापन स्थापित कर लिया। हाँ अभी ज्ञान भले ही बाहर आ जाए लेकिन श्रद्धा उसमें जमी रहेगी, त्रिकाली ध्रुव में अपनापन स्थापित किए रहेगी। अब ज्ञान तो चक्रवर्ती है, छह खंड की विभूति को लड़ रहा है, जीत रहा है, लेकिन श्रद्धा गुण वही जमा है कि ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ, वो समादर्शन कायम है। अनुभूति के काल में समादर्शन पैदा होता है, लेकिन समादर्शन की सत्ता के लिए अनुभूति की जरूरत नहीं है। उपयोग बाहर भी आ जाए, आत्मानुभूति भंग हो जाए, तो भी जब तक वो श्रद्धा गुण उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषय में अपनापन स्थापित किए रहेगा, तब तक सम्यक दर्शन कायम।
तो इसके लिए वो जो चार नयों के माध्यम से, इन्हें अध्यात्म के नए बोलते हैं, सिद्धांत के नए अलग हैं, द्रव्यार्थिक पदार्थिक नई ज्ञान जी सात नए, तो ये अध्यात्म के नए। अध्यात्म के नए क्यों इनका नाम है? क्योंकि आत्मा की खोज के ही काम में आते हैं, ये बाकी द्रव्यों पर नहीं लगते, पुद्गल पर नहीं लगते। वो बाकी के जो नए हैं वो छह द्रव्यों पर लगते हैं, इसलिए वो आगम के नए कहलाते हैं, और जो सिर्फ आत्मा पर लगे वो अध्यात्म के नए कहलाते हैं। जैसे आचार्य ने समय सार की टीका में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, और इसको आध्यात्म को परमागम भी कहते हैं और उसे आगम कहते हैं, ऐसे ये शब्द भी जयसेन आचार्य ने लिखी है। तो ये जो ये नयों के माध्यम से वो आत्मा को वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये जो समय सार के मैंने कहा था ना, कर्ता कर्म अधिकार और जीवा जीवाधिकार, तो इन्होंने दुनिया को दो भागों में बांट दिया। एक भाग में रखा अपना आत्मा, त्रिकाली ध्रुव उस परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, और बाकी दूसरे भाग में बाकी सब चीजें। तो बाकी को सबको जरा सब माने क्या, कि जो पर पदार्थ हैं अपने आत्मा से जुड़े, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, तो वे तो पर हैं ही, ये एक ग्रुप गया। अब वो कहते हैं कि दूसरे जीव हैं वो क्या है, वो अपने से तो पर ही है ना, तो वो यद्यपि जीव हैं लेकिन अपने लिए अजीब जैसे हैं। अब आपको एक के बाद अजीब को अजीब कैसे कह सकते हो, क्योंकि मेरा मेरा जो ज्ञान है वो मेरे लिए तो ज्ञान है क्योंकि जानने का काम करता है, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो मेरे लिए जानने का काम नहीं करता है, वो तो मेरे लिए गे है। सकल के ज्ञाय की तरफ वो भी समय सार के सार बता दे। अपेक्षा क्या है कि आप, आपका ज्ञान मेरे लिए ज्ञान नहीं है, गे है। मेरा ज्ञान मेरे लिए ज्ञान है, आपका ज्ञान मेरे लिए गे है। मेरा जीव मेरे लिए जीव है और आपका जीव मेरे लिए अजीव है, माने मेरे जीव से भिन्न। इस अर्थ में वो ज्ञान दर्शन से रहे तो ऐसा अर्थ नहीं। तो ये कहते हैं कि सब पर से भिन्न, तो पर से मैंने पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से भिन्न तो लेना ही है, लेकिन दूसरे जीवों से भी भिन्न अपने आत्मा को। जैन दर्शन में तो अनंत आत्मा कहे ना, विश्वास विभक्तों की प्रभाव आत्मा जानता है विश्व से विभक्त और विश्व से संबंध जोड़ेगा। अब वो ये आया कि वो जो अपना आत्मा है, जो अपना ज्ञान ही जिसका लक्षण है, उपयोगी लक्षण है, वो कॉमन से सब आत्मा को अलग अलग होगा, लेकिन मेरे आत्मा के लिए तो मेरा उपयोग लक्षण है, क्योंकि मुझे अपने आत्मा को पहचानना है, पकड़ना है ना, तो मेरे में जो लक्षण है उपयोग, उससे मैं पहचानूंगा। तो वो उनने क्या कहा, पर पदार्थ अपने नहीं और पर जीव भी अपने नहीं। अब अपना अकेला जीव बचा, तो अपना जो जीव बचा तो उसमें जो परमे शरीर स्त्री पुत्र मकान ये तो सब परमे आ गए ना, यानी असदगुण व्यवहार में निकल गया। अब जो अपना जीव बचा, वो अपना जीव माने द्रव्य गुण पर्याय में, गुण पर्याय द्रव्यम है ना, तो तीनों चीजों को सार में तीन चीजें की हैं, द्रव्य गुण पर्याय, इन तीनों को मिला के अर्थ कहते हैं, और तत्वासूत्र में लिखा गुण और पर्याय को अर्थ कहते हैं, बात ये कही है दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो वो द्रव्य गुण पर्याय तीनों इसे आगम का जीव बोलते हैं, अध्यात्म का जीव नहीं, क्योंकि अध्यात्म के जीव में अब इसमें भी भेद करेंगे। अब है अपनी आत्मा की पर्याय, वो अपने ही आत्मा के गुण है, लेकिन राग पर्याय को आत्मा में शामिल नहीं करेंगे अध्यात्म में, इसलिए लिखा वर्णाद्यावा मूढ़ रागा दयोवा सर्वे भावा भिन्न ए वास्तव पुंसा, वर्णादि और रागादि भावों से भिन्न आत्मा। आगम में नहीं कहे, आगम में तो कहें जीव की पर्याय है, जीव ने गलती की है, क्रोधमान माया लोग जीव ने किए है, उसका फल जीव को भोगना पड़ेगा, कर्म बंद होगा, चार गतियों में भ्रमण होगा, वो सब बात कहेंगे। अध्यात्म कहता कि नहीं, राग जुदा है और मैं जुदा।
आगम से और अध्यात्म की धारा यहां से थोड़ी अलग होती है। देह तक तो दोनों की धारा एक चलती है, देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। अब अध्यात्म में वो आत्मा में उत्पन्न होने वाला मोह राग द्वेष का भाव भी यद्यपि अशुद्ध निश्चय ने से आत्मा का है, आत्मा है, लेकिन फिर भी विशुद्ध निश्चय ने से विचार करो तो वो आत्मा नहीं है। तो पहले अशुद्ध निश्चय ने की स्थापना की और फिर शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने का निषेध कर दिया कि ठीक है ठीक है आत्मा में राग है, रखना है क्या, कि रखना तो नहीं है, तो मुझे मान लो कि नहीं है। डॉक्टर कहता है ना कि साहब बीमारी, कि बीमारी है कि दूर करनी है, कि हाँ तो तुम मान लो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मां चिंता मत करो, मुझे गोलियां लेना दवाई लेना ठीक हो जाओगी, मान लो कि मैं नहीं हूं। क्यों? कि तुमने यदि बीमार 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 माने तो रोते रहना बीमारी बीमारी में। तो कहते राग अपने में है अशुद्ध निश्चय में से, लेकिन तुम्हें राग त्यागना है ना, क्या त्यागना है, तो मानो ना कि मेरे नहीं है, मेरा नहीं है, रखने लायक नहीं है, हे है, राग जुदा है और मैं जुदा हूं। देखो सोने में मेल मिल गया, कालिमा कृतिमा तो मिल गई ना, क्या मिलेगी? कौन कहता नहीं मिली है, लेकिन भैया अग्नि में डालोगे तो वो जल जाएगी और सोना नहीं जलेगा। इसलिए वास्तव में मिल गया होता तो अग्नि में सोना जल जाता या वे नहीं जलते। तो कहते जब तुम ध्यान रूपी अग्नि में डालोगे आत्मा को तो राग जल जाएगा और आत्मा नहीं जलेगा, इसका मतलब वो मिले नहीं है, अलग अलग है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि लोग भेद विज्ञान राग से कराते हैं। दूसरा सूत्र भी है ज्ञानादि सर्वकर्माणि छत्रचूर्ण मणि में आता है ना, ज्ञान रूपम जलम ने चेत क्रोधाग्नि केन साम्यति, ज्ञान रूपी जल नहीं हो तो क्रोध रूपी अग्नि को कौन शांत करेगा। फिर दूसरी जगह लिखा है कि क्रोध रूप ज्ञान रूपी अग्नि नहीं हो तो कर्म रूपी ईंधन को कौन भस्म करेगा। तो एक जगह ज्ञान को जल कहा और दूसरी जगह ज्ञान को अग्नि कहा। तो अपनी बात चलती थी कि वो जो आत्मा कौन राग वाला, राग तो है उसमें, वो कहते हैं राग नहीं माने तो फिर संसार का अभाव हो जाएगा, फिर मोक्ष से सजीव हो ही गए। हाँ, टोरामल जी ने मोक्षवाद पर कह सकते सातवें अध्याय के शुरू शुरू में पंक्ति लिखी महाराज कि ये जीव जो निश्चयाभासी हैं वो कितने बड़े अज्ञानी हैं, कि जो केवल ज्ञान पर्याय नहीं है उससे तो कहते हैं मैं सहत हूँ, और जो राग पर्याय अभी विद्यमान है कहते हैं उससे मैं रहत नहीं, ऐसे कही चले। यदि पर्याय सहत मानना है तो जो पर्याय अभी है उससे सहत मानना पड़ेगा, और रहत मानना है तो रहत मानो चलेगा, लेकिन तुम तो उल्टा करते हो, केवल ज्ञान पर्याय नहीं है उसे सहत मानते हो, राग पर्याय है उसे रहत मानते हो। तो ये अशुद्ध निश्चय नय का कथन है कि आत्मा रागी है, ख्याल में ना, आत्मा रागी है ये अशुद्ध निश्चय नय ने कहा। अब जो शुद्ध निश्चय नय कहता है भैया आत्मा रागी है लेकिन राग जुदा है और आत्मा जुदा है, राग ने आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं किया, मतलब राग आत्मा का विभाव है। जब हम आत्मा के स्वभाव की बात करेंगे तो उस सीमा में राग नहीं आता, और इसका मतलब यह है कि उसको नाश किया जा सकता है, उसका नाश करोगे तो तुम्हारे आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इसको वो शुद्ध निश्चय ने आत्मा अशुद्ध निश्चय ने का निषेध करता है, और ये कहता भैया तुमने कही क्यों, कि व्यवहार का है, तो उसने अशुद्ध निश्चय नय को शुद्ध निश्चय नय ने व्यवहार बना दिया, ये अमृतचंद ने ऐसा लिखा। फिर जो सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र है, एक देश शुद्ध निर्मल पर्याय, तो वो आत्मा है क्या नहीं है, क्या मतलब आत्मा सम्यक दृष्टि है क्या नहीं, आत्मा सम्यक ज्ञानी है क्या नहीं, तो वो कहते हैं आचार्य कौन कहेगा कि नहीं है, सम्मा दृष्टि तो हमें बनना है ना, तो एक शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपको एक ही देश शुद्धि रखनी है कि पूर्ण शुद्धि प्राप्त करनी है, बोलो। सम्मा दर्शन हो गया,
अब तुम्हारा काम हो गया, मोक्ष में तो नहीं जाना। कहने क्या बात करते हो, हमें तो पूरा राग नाश करना है, नाश करना है ना। कि हाँ, तो फिर इतने में कह दो संतुष्ट मत हो, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या तुम ले लो ना प्रांत को, जिले का ले लो, कमेटी बना लो, अपन देश की सुरक्षा करो, वो केंद्र हम संभालेंगे, अंग्रेज कहते थे। कि नहीं, हमको तो पूर्णता चाहिए, अपूर्णता में संतोष नहीं है, अपूर्णता तो गुलामी का ही भेद है। तो वो जो इस सर्व शुद्ध निश्चय में है ना, वो ये कहता है कि सम्मा दर्शन में हमें संतोष नहीं है, ये अल्प वितरागता में हमें संतोष नहीं है, हमको तो पूर्ण वितरागता चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो हो गया, वो तो हो गया, लेकिन आंखों वाला नहीं चाहिए मुझे, आंख के बिना देखना चाहिए, कान के बिना सुनाई देना चाहिए, ये आंख कान की गुलामी मुझे पसंद नहीं है, है ना। तो वो जो नए है ना, कौन शुद्ध निश्चय नए, वो कहता है एक देश शुद्धि में संतोष करने लायक नहीं है, क्योंकि मेरा वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव पर्याय है, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो अल्पता नहीं है, पूर्णता है। मेरा स्वभाव में अल्पज्ञता नहीं है, मेरे स्वभाव में पूर्णता है। कैसा उस ज्ञान तुम्हारा सम्यक हो गया, संतोष करो कि सम्यक हो गया, वो तो बहुत बढ़िया बात है ना। आपने म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हमारे हाथ में रख दिया, पर हमारा हम चुन के अध्यक्ष बनाएंगे, वो काम करेगा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब प्रांत के अभी मुख्यमंत्री भी हमारा रहेगा, चलो प्रांत तुम्हें दे दिया, कि अगला प्रधानमंत्री हमारा रहेगा, नहीं नहीं मेरा, हमको तो तुम जाओ यहाँ से, और हमको तो सब कैसा, अब तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम में अकल नहीं है, तुम लड़ मरोगे, कि हम जो कुछ होगा सो हो जाएगा, लेकिन तुम पर। तो वो कहता मैं अल्पज्ञता में संतोष नहीं है, पूर्ण वितरागता चाहिए, सर्वज्ञता चाहिए। एक कौन कहता है शुद्ध निश्चय नय, इसका दूसरा नाम शास्त्र में साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी है। अभी ये जो शुद्ध निश्चय नय और यज्ञ शुद्ध निश्चय नय, सम्मा दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तो कहते हैं कि उस आत्मा के आश्रय से, कि न जिसमें राग है और न जिसमें वितरागता, न जिसमें अल्पज्ञता है और न जिसमें सर्वज्ञता। आपको ये तो बहुत गड़बड़ मामला हो गया, ये कैसे, क्यों, क्योंकि जिस आत्मा का मुझे ध्यान करना है वो अनादि अनंत होना चाहिए, एक शर्त है उसकी, और ये वितरागता अनादि की नहीं है और राग अनंत नहीं है, अल्पज्ञता अनंत नहीं है और सर्वज्ञता अनादि की नहीं है, और मैं तो अनादि अनंत हूं ना, तो ये शर्त पूरी नहीं होती उनमें, तो जिसमें ये शर्त पूरी नहीं है वो मैं नहीं। देखो चार द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, और समंत भद्र ने आपकी मंसा में लिखा सदैव सर्वम को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, कि अपने स्वरूप चतुष्टय से अपने अस्तित्व को कौन स्वीकार नहीं करेगा, वो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पर चतुष्टय से अपना अस्तित्व स्वीकार करेगा। तो स्वचतुष्टय कौन सी चीज हुई, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। वो अनंत चतुष्टय अलग है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी, ये तो स्वचतुष्टय है जिससे प्रत्येक द्रव्य की, निगोदिया की भी और मोक्ष की भी और परमाणु की भी सत्ता होती है। तो मेरा अस्तित्व कैसे है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो मेरा मैं हूं, मेरा द्रव्य जो आत्मा है वो मेरा स्वद्रव्य है। अब मेरा क्षेत्र क्या है, तो असंख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र है। मेरा भाव क्या है, अनंत गुण मेरा भाव है। और मेरा काल क्या है, अनादि अनंतपना, त्रिकालीपना मेरा काल है। देखो कोई भी वस्तु जगत में होती है ना, एक किताब है, इसमें चार चीजें जरूर होगी, कौन कौन सी, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और किताब। किताब माने द्रव्य, लंबाई माने काल, चौड़ाई माने प्रदेश और मोटाई माने गुण। द्रव्य भी एक वस्तु है, तो वो अपने कहें द्रव्य कितना चौड़ा है कि असंख्य प्रदेशी, लोकाकाश प्रमाण, कितना लंबा है कि अनादि अनंत, कितना मोटा है कि अनंत गुणों का पिंड, ऐसी वस्तु है। तो जब इसमें एक काल वाली बात आई, अनादि अनंत, तो वो ही चीज आत्मा हो सकती है, द्रव्य हो सकती है जो अनादि अनंत हो,
और ये सब पर्याय मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान भी अनादि अनंत नहीं है। मति ज्ञान अनादि का है लेकिन अनंत नहीं है, केवल ज्ञान अनंत है तो अनादि का नहीं है। इसलिए न मैं मति ज्ञान हूं, न मैं केवल ज्ञान हूं, जरा खतरनाक बात है। ना मैं रागी हूं, ना मैं वीतरागी हूं, क्योंकि सिद्ध दशा में मैं रागी नहीं रहूंगा और निबोध में और आज मैं वीतरागी नहीं हूं। तो यदि मैं ये मानूं कि मैं रागी हूं या वीतरागी, तो इसका मतलब है कि मैं वीतरागी हूं। इसी इसी दृष्टि से जो पर्याय कृत शुद्धता अशुद्धता है उसको छोड़ के जो स्वभाव कृत शुद्धता है, सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया, शुद्ध नया मन परम शुद्ध निश्चय में, उसका जो विषय है वो हमेशा शुद्ध ही है, माने वो शुद्धि और अशुद्धि से पार ऐसा शुद्ध। कहते देखो बहुत अच्छा उदाहरण दिया जयसेनाचार्य ने 320वीं गाथा की टीका में। उनने कहा कि हल्दी और चूना इन दोनों को मिलाओ, हल्दी है पीली और चूना है सफेद, तो ये दोनों मिलकर के लाल रंग बन जाता है। तो लाल रंग कैसे बना, हल्दी से बना कि चूना से बना कि दोनों से मिला, ये प्रश्न खड़ा किया है। तो वो कहते भाई अशुद्ध मिश्रण ऐसे हल्दी से बना कि चूना से बना, जो भी जवाब देना हो दो। तो उनने शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया कि हमें तो परम शुद्ध मिश्रण ऐसे कैसे बना ही बना, ऐसा सीधा प्रश्न है कि परम शुद्ध मिश्रण ऐसे वो लाल रंग क्या कारण क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया कि परम शुद्ध निश्चय से लाल बना ही नहीं, क्योंकि दो दिन में मिलते ही नहीं, तो हल्दी अभी भी पीली है पर चूना अभी भी सफेद है। हाँ, होते हुए। तो उन्होंने कहा क्यों चांदी और सोना मिला कि एक करने होने के बाद भी अपने सत्ता को दोनों ने छोड़ा ही। उसमें उसमें लिखा है जैसे आप जो लाल लाल है ना उसे कपड़े को धो तो चूना निकल जाता है और हल्दी नहीं निकलती है तो फिर वो पीला हो जाता है। यदि मिल गए होते तो दोनों निकलते के दोनों नहीं निकलते, चूना तो वैसे ऊपर की चीज लपेटी हुई जैसी है ना और हल्दी तो अंदर में घुस जाती है। तो पीला था, चूना लगाया तो लाल हो गया, फिर अपन ने चूने को धो दिया तो फिर पीला हो जाता है। तो वो कहते मिले ही नहीं, तो वो कहते परम शुद्ध निश्चय से वो मिलते ही नहीं, क्यों हल्दी व चूना। ऐसे वो परम शुद्ध निश्चय से आत्मा राग में इनमें मिलता ही नहीं, हम तो उनसे रहित देख रहे। अनादि अनंत जो एक सा था, जो निबोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। इसके भी दो अर्थ हैं, क्या है जो निबोध में था वैसा ही मैं अभी हूं और वैसा ही मोक्ष में हूं। तो ये तीनों चीजों में एक सा कहा ना, तो वो चीज कॉमन खोजो जो तीनों में एक सी थी। वीतरागता राग खोजोगे तो नहीं मिलेगा तीनों में एक साथ, ज्ञान की पर्याय को खोजोगे तो तीनों में नहीं मिलेगा एक साथ। लेकिन जानने का स्वभाव मेरा निबोध में भी था वो खत्म नहीं हुआ, और जानने का स्वभाव मेरा मोक्ष में भी था। तो ज्ञायक स्वभाव, जानने वाला स्वभाव दोनों में कॉमन है, तो वो मैं हूं जानने वाला स्वभाव। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जो तीनों में कॉमन रहे वो मैं हूं, जो निबोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष बाजार, और अंतर में देखो तो भेद कछु भी नहीं। और भेद गिने संसार, इस दुनिया उसमें भेद मानती है। और दूसरा अर्थ क्या कि जो इनमें भेद मानेगा वो संसार में रखेगा, भेद मानने का नाम संसार है। हाँ, पर्याय नाम का ज्ञान लेता है, कितना छोटा है। हाँ, सबसे छोटा अक्षर के असंख्य, अक्षर के अनंत में भाग। तो अक्षर के अनंत भाग क्या समझे अपने महाराज, तो केवल ज्ञान में आता है, अपने ज्ञान में आ ही नहीं सकता ना, हम क्या करें हैं? हम तो शास्त्र से ही जान सकते हैं। हाँ, है मति शुद्ध ज्ञान दोनों, एक समय की जो पर्याय है अल्प विकसित, वास्तव में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दो है ही नहीं, एक ही है, एक पर्याय की दो योग्यताएं हैं। यहाँ तक की मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान इसलिए लिखा कि जैसे इनको यहाँ अलग किया ऐसे उसको अलग किया, मतलब एक ही समय की पर्याय की चार प्रकार की योग्यता है। चार माने कौन, उसी पर्याय में मनन करने की योग्यता है तो मति,
उसी पर्याय में अक्षरात्मक ज्ञान की योग्यता है, इसलिए श्रुत उसी ज्ञान में मर्यादा पूर्वक बिना इंद्रियों के सहायता से पर को जानने की योग्यता है, उसी का नाम अवधि, और उसमें दूसरे के मन की बात को जानने की योग्यता है, इसलिए उसी का नाम मन पर है। पर्याय एक है, पर्याय दो नहीं है एक समय की। जैसे यहाँ चार लिए ना ज्ञान, तो उसके आवरण भी चार लिए। देखो महाराज, ज्ञान के आवरण को अलग अलग माना, उसका मति ज्ञान और भी कर्म सूक्ष्म, मति ज्ञान का शुद्ध ज्ञान और भी कर्म सूक्ष्म, शुद्ध ज्ञान सूक्ष्म जो माना को अलग अलग, इसलिए माना। तो जो है ना राजमल जी पानी के पंचाध्यायी, वो पंचाध्यायी में ऐसा लिखा है कि सम्यक दर्शन कब होगा, तो स्वानुभूत्या वरण कर्म के छह उपसम से। क्या लिखा? स्वानुभूत्या वरण कर्म के छह उपसम से। क्योंकि स्वानुभूत्या वरण तो हमने कर्म सुना ही नहीं, 148 प्रकृतियों में इसका नाम ही नहीं है। तो वो कहते जितने गए हैं उतने हम नहीं जान रहे, तो उतने सब प्रकार के आवरण कर्म हैं। जैसे मान लो मैं फोन को नहीं जानता हूं, तो फोन आवरण कर्म है, समझ, पुस्तक को पुस्तकावरण कर्म है। कि हम भले ही साथ में कितने लिखते, लेकिन जो जो चीज वो, इसलिए हमने पांच ज्ञान खड़े किए तो पांच आवरण खड़े किए। यदि हम एक ही ज्ञान रखते हैं तो एक ही आवरण रखते, वो तो सापेक्ष है ना, कि उसको ढका उसको ढका उसको ढका, इसलिए। तो इस तरीके से वो जो अपन ने परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत आत्मा तक पहुंचने के लिए ये समय सार में आठ नयों का वर्णन है, और आठ नयों के कैसे कैसे हे करते करते हम वहां तक पहुंचते हैं, और वो चीज हमारी पकड़ में आ जाए, हमारे ज्ञान का गे बन जाए देश न लब्धि से, तो उसमें तीव्रतम रुचि जगेगी तो प्रायोगिक लब्धि, और उसमें से कर्ण लब्धि ऑटोमेटिक आएगी, और उसके बाद संबंध का एक एक देश जिनेन्द्र हो गया। निकल गए ना एक दफे छात्र में से, एक दफे में छात्र में से निकल गए, बहुत अच्छा लिखा है प्रवचन सार में। आत्मा की बात अपन लगातार करेंगे, समय सारी बात लगातार करेंगे, लेकिन आज करी वो तो कल नहीं करेंगे ना, कल करी वो तो परसों नहीं करेंगे, ऐसा अर्थ में लेना है। संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है, अरे कुछ लोग नहीं मानते हैं मिथ्यात्व। श्लोक वाक्य में है ना, मिथ्या दृष्टि बंधा, समय दृष्टि निवर्तन,
छठ के समय दर्शन होते हैं मिथ्या प्रकट हो, बहुत सुंदर श्लोक आती है। हाँ बस वही अर्थ है, वो 41 पिकनियों का बंधन नहीं होता, वो जो बंद में छुट्टी जिनकी हो गई है वही अर्थ है। वो पहले वाले भट्टा इन ये नहीं भैया नहीं विरोध है भोसड़ी सात प्रधान के 1948 जनवरी महीने में एक सप्ताह पर चर्चा चला है इसमें इसी एक ही का कम भैया नहीं विरोध है भोसड़ी सात प्रधान तो महाराज जब आप आज्ञा करेंगे आपका आज्ञा क्या बोले कैसा है बात है ना, ये नोटों की गिनती करना जानते हैं, सबों की गिनती करना नहीं। तत्व ज्ञान भी निर्ग्रंथ निष्फल, तत्व ज्ञान से ही निर्ग्रंथ बनाए निष्फल कपड़े को नरक में भी तत्व ज्ञानी तो वहां सुखी, तत्व ज्ञान विहीना नाम दुख में भी शासन, तत्व ज्ञान जैसे गुना सर्वे विषिद्ध, तत्व ज्ञान जैसे गुना सर्वे विषिद्ध कहीं भी रहे तत्व ज्ञानी सुखी है, कभी दुखी होते पहला से बोलिए तुम्हें सार अच्छा लगे अब बोलना शुरू करो उनके मन में भी हाँ भाव था क्या सारे जितने भी विद्वान है उनको मालूम है नाटक समयसार शब्द है ना, एक श्लोक है मेरे पास लोको नाट्यशा नाट्यशाला प्रेक्षकों विश्वनाथ भगवान देखने वाला है जीवो नृत्यकारी विविध तनुधरो और कर्म जो है वो डायरेक्ट नाटक आचार्य कर्म चैतन्य से सदा सुंदे से बीच के पीरियड में इन लोगों ने सुरक्षित रखा गांव में 5 मील जाके बदल करके 5 मील आता था सब पांच मील रोड जाके
उन लोगों ने कितनी तपस्या करके इसकी सुरक्षा करी है, और आज तो हमारे लिए तो कितनी सुविधाएं हैं। हाँ, ये सब चीज है, सास रहे हैं, सब बातों हाथ के लिखे होते थे। अभी हम तो ज्यादा उम्र नहीं, लेकिन हमने बचपन में हाथ के लिखे सासों से स्वाध्याय पढ़ा है। दुपट्टा पहन के मुँह पे ये लगाकर, और वो हस्तलिखित में से तो बिल्कुल कोमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, और इस तरह से पढ़ पढ़ करके हमने भी मतलब प्रोचर करते थे ना गद्दी पे बैठ के, तो ये ऐसे नहीं ले सकते थे, उनको ही लेना पड़ता था। तालाब के किनारे बैठ के और याद कर साक्षात हरे कृष्णा की सुधा में नाम है सत्य शासन परीक्षा। हाँ सर, हाँ इतने बढ़िया यह है ग्रंथ को, उसमें 100% आदमी झूठ कैसे बोलता है ये विषय। तो एक आदमी कह रहा है, उसमें आचार्य विद्या ने श्लोक दिया है, बताओ डॉक्टर साहब। तो ये लिखा है श्लोक में है कि ये कह रहा है मैं जीवन भर मौन हूँ, बोल रहा है। फिर कहा मेरे पिताजी बात ब्रह्मचारी है, मेरी माँ मांझ है, परंतु मैं बहुत कामदेव जैसा सुंदर हूँ, कोई दुनिया में उपमा नहीं दे सकता। 100% झूठ, 100% बात शुरू में बहुत सुंदर है निर ये राजवार्तिक में पंक्ति है, अगले देखती सभी इतर दक्षिणों का निराकरण। हाँ, तो आगे सरस्वती का अधिकार में सांख्यों का, बौद्धों का, हाँ बौद्धों का और सांख्यों का, सांख्यों का नहीं तो बाकी किसी का नाम लिए नहीं। अपनी बातें कहते हैं कैसे बचा हुआ था, कैसे बचा, कैसे मिला हुआ, कैसे रचना थी। अच्छा, मैं एक बात और कहते रहे थे, जब समय साथ की रचना कर रहे थे उस समय घरों में ताले नहीं लग रहे, आज सब जगह में ताले लग रहे हैं, इस युग में हम समय सार पाए। वासुकुंड में कोई ताला नहीं लगा था, छत्रियों में सब पूरा खुले रहते रहते थे, कहीं भी चले जाते थे। तप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बितरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराये स्वामी भूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाये सर्वभावान्तरक्षदे वंदित शब्द शब्दे ध्रुवचल मनो वयम गयम पत्ते गोच्छामि समय पावर मनोश्री के।
हाँ समझ गया, साधन से लेकर के एक केवल मिथ्या दृष्टि संसारी, हाँ समझ, बाकी एक देश जन कहला, हाँ 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 एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो है अप्रतिबुद्धे स्रोत रही वक्तृमरण कथम भवति पुंसाम नेत्र विहीने भर्तरी विलास लावण्य स्त्री। कोई स्त्री है बहुत श्रृंगार और बहुत सुंदर है, तो पति यदि अंधा है बेकार है, यदि श्रावक पढ़े लिखे नहीं तो वक्ता के भी सारे वचन, तो वक्ता विद्वान होना चाहिए, श्रोता भी होना चाहिए, सही बात है। बहुत अच्छा, नहीं नहीं सही बात है, क्योंकि उसका उपयोग नहीं होता ना, उसका उपयोग नहीं हो सकता ना, वो क्या करे, कुछ भी बोले, ग्रस्ता प्रभुवा इसमय दूसता, विद्वान लोग तो मत्सर ग्रस्त हैं और प्रभावशाली लोग घमंड में मरे जा रहे हैं और बाकी जनता घृतलवन तेल तंडुल में लगी हुई है, तो हमारे पास जो माल है हम किसको सुनाएं, जीर्ण मंगे सुभाषितम, जो सुभाषित है वो मेरे अंग में ही मेरे साथ ही मर जाएगा, कुछ नहीं होना। करता हूँ। और दूसरी बात ये लिखी वहाँ जैसे लंबे लंबे भाषण करके बताने वाले बहुत मिलेंगे, पर गन्ने जैसे अध्यात्म बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो गन्ने जो भी बताओ गन्ने जैसी मिठास होना चाहिए अध्यात्म। चलिए आप कल एक साथ समय साल मेरे सामने भी रखना, मूल समय साल रखना कल, समय साल चाहिए नहीं, मैं कल की बात आज चलेगा।